ओम राम कृष्ण हरि, 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 ओम राम कृष्ण हरि। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु जगद्गुरु जगद्गुरु। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ, मैं भगवान की शरण में हूँ और मैं भगवान का ही हूँ। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। ओम राम कृष्ण हरि, ओम राम कृष्ण हरि, ओम राम कृष्ण हरि, ओम राम कृष्ण हरि। अशोष्यना नवशो चतुस्तः प्रज्ञावाद्यश्रभश्च गताशुना गता शंशाननुशोच्यता पंडिता तवम अशोच्यवशोच्यता प्रज्ञावदनः वशस्य गताशुन चागाताशु पंडितानानुशोच्यता। तुमने शोक ना करने का योग्य का शोक किया है और विद्वता पंडिताई की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं और मैं, ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे निजी कुटुंबी हैं और ये मेरे निजी कुटुंबी नहीं हैं, ये हमारे वर्ण के हैं और ये हमारे वर्ण के नहीं हैं, ये हमारे आश्रम के हैं और ये हमारे आश्रम के नहीं हैं, ये हमारे पक्ष के हैं और ये हमारे पक्ष के नहीं हैं। जो हमारे होते हैं उनमें ममता कामना प्रियता आसक्ति हो जाती है। इन ममता कामना आदि से ही शोक चिंता भय उदेद हलचल संताप आदि दोष पैदा होते हैं। ऐसे कोई भी दोष अनर्थ नहीं है जो ममता कामना आदि से पैदा ना होता हो, यह सिद्धांत है। गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। यद्यपि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी अधिक आदर दृष्टि देखते थे, तथापि धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति ममता थी, अतः उनका अपने पुत्रों में और पांडव में भेद पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। जो ममता धृतराष्ट्र में थी वही ममता अर्जुन में भी पैदा हुई, परंतु अर्जुन की वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं थी। धृतराष्ट्र में धृतराष्ट्र की, अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था। अंतवे सभी को सौजन कहते थे, सभी को सौजन कहते हैं। दृष्टवैम सौजनम और दुर्योधन आदि की को भी सौजन कहते हैं। सौजनम हिम कतम हत्वा शुकन श्यामा माधवा, तात्पर्य है कि अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी और उस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, जो इस 11वें श्लोक से आरंभ होता है। उसके अंत में भगवान इसी श्लोक को अनुचित बताते हुए कहेंगे कि तू केवल मेरा आश्रय ले और शोक मत कर मासुतः, कारण कि संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है और अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेने से तेरे शोक चिंता आदि सब मिट जाएंगे। अशोचना नवाशोच दुष्टमह, संसार मात्र में दो चीजें हैं, सत और असत, शरीरी और शरीर। इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। ये दोनों ही असत्य हैं, अविनाशी का है, कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके
लिए शोक करना बनता ही नहीं और विनाशी का विनाश होता ही है। वह एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रहता, इसलिए इसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। तात्पर्य हुआ कि शोक करना ना तो शरीर को लेकर बन सकता है और ना शरीरों को लेकर ही बन सकता है। शोक के होने में तो केवल अविवेक मूर्खता ही कारण है। मनुष्य के सामने जन्मना मरना लाभ हानि आदि के रूप में जो कुछ परिस्थिति आती है वह प्रबंध का अर्थात अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है। कारण की परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए उसका आरंभ और अंत होता है। अर्थात वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। जो परिस्थिति आदि में और अंत में नहीं होती वह बीच में एक क्षण भी स्थायी नहीं होती। अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे और मिटती है तो स्थाई कैसे, मिटती है तो स्थाई कैसे, स्थाई होती तो मिटती कैसे। ऐसे प्रतिक्षण मिटने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष शोक करना सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। प्रज्ञा वदाश्चः भाष्यसे, एक तरफ से तो तू पंडिताई की बातें बघार रहा है और दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है। अच्छा तू केवल बातें ही बनाता है, वास्तव में तू पंडित नहीं है, क्योंकि जो पंडित होता है वे किसी के लिए भी कभी शोक नहीं करता है। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे वर्ण शंकर पैदा होगा। वह वर्ण शंकर कुल घातियों को और उनके कुल को नरक में ले जाने वाला होगा। पिंड और पानी ना मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। ऐसी तेरी पंडिताई की बातों से भी यही सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और शरीरी अविनाशी है। अगर शरीरी स्वयं अविनाशी ना होता तो कुल घाती और कुल के नरक में जाने का भय नहीं होता। पितरों का पतन होने की चिंता नहीं होती। अगर तुझे कुल की और पितरों की चिंता होती है, उनका पतन होने का भय होता है, तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाला शरीरी नित्य है। अतः शरीरों के नाश को लेकर तेरा शोक करना अनुचित है। गता शुन गता सुच्च, उसके पिंड प्राण का वियोग अवश्य भावी है। उसमें किसके पिंड प्राण का वियोग हो गया और किसका होने वाला अंत, उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुमने जो शोक किया वह तुम्हारी गलती है। जो मर गए उनके लिए शोक करना तो महान गलती है। कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों का दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृतात्मा के लिए जो पिंड और जल दिए जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसा ही मृतात्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं वे मृतात्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। उनका जो पालन पोषण करना चाहिए, प्रबद्ध करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, उनका भारण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा आदि चिंता शोक कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं है। मेरे शरीर के अंग स्थिर हो रहे हैं, मुख सूख रहा है आदि विकारों के पैदा होने में मूल कारण शरीर के साथ एकता मानना। कारण कि शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर का पालन पोषण करने वाले के साथ अपनापन हो जाता है और उस अपनेपन के कारण ही कुटुंबियों के मरने की आशंका से अर्जुन मन में चिंता शोक हो रही है। मृतात्मा को अपने बंधु बंधुओं के द्वारा
कफ युक्त आंसुओं को विविश होकर खाना पीना पड़ता है, इसलिए रोना नहीं चाहिए प्रत्युत अपनी शक्ति के अनुसार मृतात्मा के अर्धदेही क्रिया करनी चाहिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मृता प्रेता प्रता है वे मृतात्मा के बंधु बांधव भूतल पर जिन आंसुओं को त्याग करते हैं उन आंसुओं को मृतात्मा पर लोक में पीते हैं। जय जय श्री राम। चिंता शोक से ही अर्जुन के शरीर में उपयुक्त विकार प्रकट हो रहे हैं, इससे भगवान ने गताशन और अगताशन के शोक ही हेतु बताया है। जिनके प्राण चले गए वे गता शून्य हैं और जिनके प्राण नहीं चले गए वे अगता शून्य हैं। पिंड और जल न मिलने से पितरों का पतन हो जाता है, पहले अध्याय का 42वां श्लोक यह अर्जुन की गता शून्य की चिंता है। और जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं वे ही प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं, पहले अध्याय का 33वां श्लोक यह अर्जुन की अगता शून्य की चिंता है। ये दोनों चिंताएं शरीर को लेकर ही हो रही हैं, अतः ये दोनों चिंताएं धातु रूप से एक ही है, कारण की गता शून्य और अगता शून्य दोनों ही नाशवान है। गता शून्य अगता शून्य इन दोनों के लिए कर्तव्य कर्म करना चिंता की बात नहीं। गता शून्य के लिए पिंड पानी देना श्राद्ध तर्पण करना यह कर्तव्य है, और अगता शून्य के लिए व्यवस्था कर देना निर्वाह का प्रबंध कर देना यह कर्तव्य है। कर्तव्य चिंता का विषय नहीं होता, प्रत्युत विचार का विषय होता है। विचार से कर्तव्य